आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका मत्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के नगर निगम के सदन भवन कार्यालय भवन के साथ 525 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। भवन के सामने स्थापित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का भी किया अनावरण। कहा, विकास का नहीं होता है कोई विकल्प, पिछले 5 सालों में सभी लोगों ने देखा है बदलते गोरखपुर को। पंद्रह इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। बस की पहली महिला चालक पूजा प्रजापति के बस में बैठकर मुख्यमंत्री ने नगर निगम से एक कार्यक्रम स्थल तक का लिया ट्रायल। कहा, कल से नागरिकों को सस्ते किराए में यात्रा की मिलेगी सुविधा। पचास करोड़ 25 लाख की लागत से बने ITMS कार्यालय का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काट कर किया लोकार्पण। ITMS के बारे में ली विस्तृत जानकारी। ट्राई के नए टैरिफ 2 को लागू किए जाने के विरोध में गोरखपुर केबल ऑपरेटर संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा ज्ञापन। NTO 2.0 को तत्काल रोके जाने की मांग। ग्राउंड ब्रस ब्रॉडकास्टर वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया का भी मिला समर्थन। मुख्य एवं संस्थापक ट्रस्टी ने कहा, महंगाई की इस दौर में आम जन को राहत देते हुए आत्मनिर्भर केबल ऑपरेटरों को बेरोजगार होने से बचाए प्रधानमंत्री जी। इलेक्ट्रिक बस की पहली महिला चालक पूजा प्रजापति की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से की तारीफ। सीएम योगी ने उनकी बस पर की सवारी की, पूजा की हौसला अफजाई। मुख्यमंत्री को साथ लेकर बस चलाने पर पूजा ने अपने आप को महसूस किया गौरवशाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23.45 करोड़ की लागत से बने नगर निगम के नव निर्मित सदन भवन का फीता काट कर किया लोकार्पण। किया निरीक्षण, निगम के पार्षदों ने मुख्यमंत्री योगी को पुष्प देकर किया अभिवादन। मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में किया गया आयोजन। फायर ब्रिगेड के ऑफिसर द्वारा मॉक ड्रिल कर आगजनी से हुई आपदा से बचाव के बारे में दी गई जानकारी। और बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 295 केंद्रों पर 20,195 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,517 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,668 लोग रहे शामिल। ACMO ने कहा, ओमिक्रॉन के प्रकोप से बचने के लिए अवश्य लगवाएं टीका जीत का।